स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में और मेरा नाम है बलराम योगी और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की कितनी संभावित कटौत रह सकती है उसके बारे में। इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की जो संभावित कट ऑफ है उसके बारे में, संभावित कट ऑफ। क्या कट ऑफ जा सकती है इस राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की? तो जैसा कि आप सब लोगों ने 9 जुलाई को पेपर दिया होगा उसी के आधार पर मैं आपको इसकी कट ऑफ बताता हूं। जैसे कि बात करें अपन जनरल की तो जनरल की जो कट ऑफ है वह जा सकती है 60 से 65% के बीच में, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा जो पिछला 2016 का जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर था उसमें लगभग 8 लाख फॉर्म भरे गए थे और उस समय पदों की संख्या कितनी थी, लगभग 3000 के समथिंग पद थे। फिर भी जो ग्राम विकास अधिकारी है इसकी कट ऑफ उस समय जनरल की गई थी लगभग 47% के समथिंग। तो अब अपन ये जो 2022 की जो वैकेंसी है इसके लिए जनरल की जो संभावित कट ऑफ है वो क्या मान सकते हैं, 60 से 65%। उसके अलावा बात करें अपन ओबीसी की कितनी जा सकती है, तो आप ओबीसी को मान सकते हो 58 से आप मान सकते हो 62% के मध्य में। ये अनुमानित है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये करेक्ट कट ऑफ जा सकती है, सब अपनी संभावना व्यक्त करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था 9 जुलाई को उसमें ओबीसी की समथिंग 58 से 62% के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। बात करें अपन एससी की, तो एससी को मान सकते हैं अपन 55 प्लस। उसके अलावा बात करें अपन एसटी की, तो एसटी को अपन मान सकते हैं क्या, एसटी को मान सकते हैं अपन 50 प्लस। तो ये इस ग्राम विकास अधिकारी की इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें कुल जो पोस्ट हैं लगभग 5500 के समथिंग है, उसमें जनरल की जो संभावित कट ऑफ है वो 60 से 65% तक रह सकती है। उसके अलावा ओबीसी की 58 से 62%, एससी की 55% और एसटी की 50% कट ऑफ रह सकती है। ये अपना मतलब संभावित कट ऑफ है ये अपनी, इसके बारे में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के इस 9 जुलाई वाले पेपर के बारे में। इसके अलावा आगे की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।